अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब आटा किलो आलू दे रहे हैं जी। अभी दे। ये ले। कितने पैसे हो गए भाई साहब? 50 रुपए। भाई साहब ये आलू आधा किलो तो नहीं लग रहे, ज्यादा लग रहे हैं। पाजी 20 साल का तजर्बा है मेरा, चीज पकड़ते ही वजन का पता चल जाता है। आप बेफिक्र होकर ले जाए, ये पूरे हैं। भाई साहब मेहरबानी होगी, एक दफा मेरे सामने फिर से तो लेगा। अच्छा जी ठीक। ये देखिए आधा किलो का ही है ना। ये देखिए सिर्फ एक ज्यादा है, बाकी पूरा है। इस तरह हमने ज्यादा थोड़ी देनी है, हम ज्यादा देने लगे तो हमने तो अपनी दुकानदारी कर ली फिर। जी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब एक किलो चावल तो दे दें। जी। सुने भाई साहब, वो 350 रुपए किलो वाले जो है ना वो ना दीजिएगा, जो 250 रुपए वाले किलो है ना वो दीजिएगा। जी ले बेंच। शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब वो 1.50 वाली ना पत्ती की छोटी डिबिया भी दे भी। ले बेंच। मैंने एक मांगी है। अरे बहन जी एक के साथ एक ही ऑफर लगी हुई है, इसलिए मैंने आपको दो दी है। अच्छा और कितने पैसे हो गए? ये आपके हो गए 250, 300 रुपए हो गए। ये ले भाई साहब। ले बहन जी। शुक्रिया बहन जी। भाई साहब वो 50 वाली पत्ती की डब्बी तो देना। नहीं भाई साहब। भाई एक और दो ना, जो एक के साथ एक ऑफर चल रही है। कौन सी ऑफर भाई? पत्ती के साथ तो कोई ऑफर नहीं चल रही। वही ना, मैं भी कहूँ पत्ती के साथ तो कोई भी ऑफर नहीं चल रही, मगर आपने उस औरत को एक डब्बी के साथ एक डब्बी ऑफर में दी है। आखिर ये आपके मोहल्ले में चल क्या रहा है? सब्जी वाला आलू ज्यादा दे रहा है, ये औरत है कौन? अरे भाई साहब कुछ ऐसा नहीं चल, असल में हमारे मोहल्ले की मस्जिद के जो इमाम साहब है ना, ये उनकी बीवी है। इन्होंने 2 माह पहले अपनी बेटी की शादी की, फिर उस बिचारी को तलाक हो गई। पता नहीं इमाम साहब को बेटी के गम में फालिज का अटैक हो गया, वो चल फिर नहीं सकते। इमाम साहब की 2 बेटियां हैं, जो तलाक याफ्ता है वो मदरसे में बच्चों को पढ़ाती है। अब इमाम साहब के मुआशी हालात तो पहले जैसे रहे नहीं, इसलिए हम मोहल्ले के दुकानदारों ने उनके घर चीजें बेचना शुरू कर, लेकिन इमाम साहब ने साफ इनकार कर दिया। बोले पहली बार आप लोगों ने चीजें बेची इसलिए मैं रख लेता हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी दोबारा मत बेचिए, इससे मेरी खुददारी को ठेस पहुंचती है। बस फिर हम मोहल्ले के दुकानदारों ने मिलकर एक फैसला किया कि जब भी इमाम साहब के घर से कोई सामान लेने आएगा ना, तो उससे हम पैसे तो 1 किलो के लेंगे लेकिन सामान डबल देंगे। इसीलिए ये सब्जी वाला, ये दूध वाला, ये मुर्गी वाला सब ऐसे ही करते हैं इमाम साहब के साथ। इस तरह उनकी मदद भी हो जाती है और उनकी खुददारी को ठेस भी नहीं पहुंचती। माशाल्लाह यार कितना खूबसूरत अंदाज है आपका नेकी करने का। ये मेरी ना कपड़े की दुकान है जी। ये इमाम साहब की फैमिली जब भी आपके पास आना है उन्हें मेरा कार्ड देना है, मैं उन्हें सर्दियों और गर्मियों के कपड़े हाफ रेट में दिया करूंगा। मैं इस नेकी में क्यों पीछे रहूं? ठीक है भाई साहब,
बहुत शुक्रिया। हम सब पर फर्ज है कि ऐसे सफेद पोश लोगों की मदद जरूर करें जो किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला सकते लेकिन आंखों में गुर्बत के सवाल उठाए फिरते हैं। जब भी मौका मिले ऐसे लोगों की मदद कर देनी चाहिए। शुक्रिया।